जयललिता, जयराम फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी और खूबसूरत अदाकारा थी, जिन्हें आज हर कोई जानता है। उनके अभिनय से लेकर राजनीतिक समझ के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके समर्थक उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। जयललिता ने अपने राज्यकाल में लोगों के दिलों पर ही राज किया है। उन्होंने जब अम्मा कैंटीन और अम्मा पानी की योजनाएं चलाई थी तो लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। पहले पार्टी के लोग और फिर पूरी जनता उन्हें अम्मा कहने लगी थी। जनता के साथ उनका जुड़ाव कुछ इस तरह था कि जब अधिक संपत्ति के मामले में उन पर आरोप लगा था तो लोगों ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। जयललिता का नाम उन महान हस्तियों में शामिल है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवाया है। उन्होंने अपने पुत्र सुधाकर, हालांकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, एक गोद लिया हुआ बच्चा था सुधाकर जिनका नाम था। जयललिता ने सुधाकर की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। लगभग 1.5 लाख लोगों को न्योता दिया था और 10 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्चा किया था उनकी शादी में। हालांकि कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने पुत्र सुधाकर से भी किनारा कर लिया था। जयललिता तब तक प्रधानमंत्री रही, वह सैलरी के रूप में 1 रुपया लिया करती थी। और भी ना जाने कितने कारनामे उन्होंने किए हैं कि तमिलनाडु की जनता उनके लिए आज भी आभार प्रकट करती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कुछ यूं दबदबा था कि विधायक उनके पैर पड़ा करते थे और जनता उनकी तस्वीरों पर भी दूध चढ़ाया करती थी। उनका जन्म 24 फरवरी 1948 में हुआ था और महज 2 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया चला गया था। उसके बाद उनकी माता ने घर के हालातों को देखते हुए जयललिता जी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। हालांकि वो पढ़ना चाहती थी और पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहती थी। वो बड़ी होकर वकील बनना चाहती थी और तब उन्हें इस बात का मलाल रहा कि अगर वह शिक्षा के क्षेत्र में जाती तो ज़रूर नोबेल प्राइज़ की हकदार होती। मात्र 15 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ फिल्मी दौर उनका लगभग 300 फिल्मों पर जाकर ख़त्म हुआ। वहाँ भी उन्होंने काफ़ी वाहवाही बटोरी थी। फिल्मी करियर के बाद अन्ना द्रमुक नामक पार्टी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उसके बाद 1983 में वह पार्टी की प्रोपेगेंडा महासचिव नियुक्त हुई थी। 1987 में रामचंद्रन की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जयललिता ने खुद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद वो 6 बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इस दौरान उन पर कई संगीन आरोप लगते रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार और अधिक संपत्ति। जयललिता का निधन 16 जनवरी 2016 में हुआ था।